हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। फाइनली प्राइसिंग आ गई है, मैंने अपना डिटेल्ड ओपिनियन वीडियो बना दी है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो है, चेकआउट कर लें। आज हम बात करने वाले इसके बेस मॉडल की कि आपको 5.49 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर क्या क्या मिल जाता है। वैसे तो मैं सही बताऊँ, मुझे थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा लगी है, इसका मतलब थोड़ी कम होनी चाहिए, 4.99 बढ़िया रहती। ध्यान दें, ये 5.49 लाख जो है यहाँ प्राइस चार्ट पूरा जो दिखा रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है, 31 दिसंबर तक ये प्राइस रहेंगे, उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी बुरा लग रहा है, प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए थी। मैनुअल मॉडल जो आपको यहाँ पर मिलता है, बेस मॉडल, उसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं जो आपकी सेफ्टी में काम आते हैं, ABS प्लस EBD, और सेफ्टी में एक और ऑप्शन आती है ब्रेक्स वे कंट्रोल। ABS भी किक इन करने से पहले क्या होता है कि आपको एक ब्रेक आप जोर से लगाते हो तो गाड़ी लेफ्ट या राइट ना हो, उसमें ब्रेक्स वे कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया ताकि गाड़ी लेफ्ट राइट ना हो, तो सेफ्टी के लिए थोड़ा और बेटर ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है। हालांकि आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स सेफ्टी को कितना ध्यान में रखती है, और 5-स्टार रेटिंग के साथ साथ इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी जो है वो है द टाटा पंच। चलो अच्छी बात है। बेस मॉडल में और क्या मिलता है, चाइल्ड सीट एंकोराजेस आपको मिल जाते हैं, टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग मिल जाता है, स्टीयरिंग है उसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसका ध्यान जरूर रख लें। सेंट्रल लॉकिंग आपको बेस मॉडल से मिलने लग जाती है, लेकिन सिर्फ मिलती है फ्रंट पावर विंडोज, रियर पावर विंडोज आपको अगले मॉडल में मिलेंगी। व्हील्स की अगर बात करें तो 15 इंचेस के नॉर्मल प्लेन स्टील व्हील्स मिलते हैं, तो ओकेश लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बट अब बेस मॉडल है और आपको क्या ही मिलेगा उसमें। लुक्स की अगर बात करें तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो सामने हैं आपके, लाइट्स आपको नॉर्मल वाली मिल जाती हैं, लेकिन हाँ अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऑडियो सिस्टम हो, गाने सुनने के साथ साथ 35,000 रुपीज़ आप देके रिदम पैक परचेज कर सकते हैं बेस मॉडल के साथ, जिसमें आपको ऑडियो सिस्टम, 4 स्पीकर्स और स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। बेस मॉडल ही है जो मुझे लगता है बेस और टॉप है जो वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स हैं, जो डेफिनेटली सेल आउट होंगे। जो एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड है यानी कि मिडिल मॉडल्स हैं, ओकेश है। एडवेंचर तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, बट उसकी वीडियो मैं अगली बना दूंगा एक एक मॉडल के बारे में। अगर हम बात करें इसके इंजन ऑप्शंस की, तो 86 PS की पावर जनरेट करने वाला 1.2 लीटर का इसका आपको इंजन यहाँ पर मिल जाता है, नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल ऑफकोर्स। टॉक की बात करें तो 113 Nm ऑफ टॉक, पावर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। टाटा पंच में पंच तो कहीं ना कहीं मिसिंग है, बट इट्स ओके, ठीक है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाती है, और 6-स्पीड AMT ऑप्शन, बट वो बेस मॉडल में नहीं है AMT, उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। अगर बात करूँ इसके ओवरऑल चीज़ों के बारे में, स्पेस अच्छी खासी है, स्पेशियस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वालिटी फिट एंड फिनिश भी बढ़िया लग रही है, बूट स्पेस भी आपको 336 लीटर्स की मिल जाती है, विच इज़ अ रियली गुड नंबर, एंड उसके साथ साथ गाड़ी के जो सस्पेंशन स्टीयरिंग वगैरह वो भी आपको एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाती है। गाड़ी अच्छी है, प्राइसिंग थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी है, अब आपने मुझे बताना है, डिस्क्रिप्शन के पास कमेंट बॉक्स है, चेकआउट उसे ज़रूर कर लें, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दे दें कि आपको टाटा पंच के बेस मॉडल की प्राइसिंग या फिर ओवरऑल प्राइसिंग कैसी लगी है। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। पंच के ऊपर और बहुत सारा कंटेंट बनाया, उसे भी चेकआउट कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।